हेलो एवरीवन, मैं कुसुम और आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी ऑनलाइन विद केके में। आज की जो हमारी वीडियो है एमए सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स इग्नोर कर रहे हैं। आज हमारी बुक का नाम है MGPE 10, ये पार्ट थर्ड है। इससे पहले मैंने दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो वीडियो है अपलोड कर रखी है, आप उसको जाके ज़रूर देखिए। और आप इसकी PDF से रिलेटेड भी मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। तो आप यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं, संघर्ष समाधान से संघर्ष परिवर्तन की परिभाषा जो होती है वो बतानी है कि संघर्ष समाधान से संघर्ष में जो परिवर्तन आता है उसके बारे में, तो यहाँ लिख रखा है। और देखिए यही क्वेश्चन संघर्ष परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य ऐसे करके भी आ सकता है। तो एक ही क्वेश्चन, जैसे कि मैंने इन दोनों का आंसर एक ही में इंक्लूड कर रखा और दोनों बहुत सी चीज़ों में सिमिलर है, इसलिए क्योंकि ये जो संघर्ष परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य है ये छोटा सा आंसर था, तो मैंने ये जो ऊपर क्वेश्चन है इसका भी आंसर इसमें ऐड कर रखा और ये थोड़ा सिमिलर भी है इसलिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि संघर्ष परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य क्या होते हैं, किस किस स्टेज में होते हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृत, इन सब चीज़ में संघर्ष होता है और परिवर्तन इसमें इन मतलब संघर्ष में परिवर्तन इन सब में हो सकता है, ये सब है। तो सब बताया जा रहा है, आप इसको पोस्ट करके पढ़, इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं समझा रही हूँ, तो आप इसको पढ़ लेना ठीक है। और PDF से रिलेटेड आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। और आप अभी मैं इसके बाद एक और वीडियो अपलोड करूँगी क्योंकि इसमें टोटल 4 पार्ट बनाए मैंने और चारों में 4-5 क्वेश्चन है। जो लास्ट वाली PDF है उसमें तो खाली 3 ही क्वेश्चन है और इस वाले में 5 होंगे, तो ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, 20 से भी कम क्वेश्चन है आपके। तो आप ये सब क्वेश्चन कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखना कि चेंज भी हो सकती है आपके एग्ज़ाम में, तो इसलिए जो क्वेश्चन आप यहाँ देख रहे हो आप इसको इंग्लिश में भी ट्रांसफ़र कर लेना, क्योंकि इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर जो आता है उसकी लैंग्वेज चेंज नहीं होती परंतु हिंदी में होती है, तो इसलिए आप इसके जिसकी थोड़ा ट्रांसफ़र कर लोगे आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस स्टेज की बात की जा रही है, तो क्वेश्चन पेपर में हिंदी में होता है तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। बाकी यहाँ पे देख आंसर इसको पोस्ट करके आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप PDF भी ले सकते हैं। इसके बाद MGP जो आपकी MGPE 13 है 13 है उसकी भी वीडियोस कुछ बनाऊंगे क्योंकि इसका एग्ज़ाम आपका थोड़ा लेट है और उसकी बुक अभी मेरे पास नहीं है, बट एक स्टूडेंट ने उसमें हेल्प की है तो मैं उसकी अब आने वाले दिन में भी उसकी कुछ वीडियोस बनाऊंगी। तो उससे रिलेटेड आपको PDF के लिए कुछ पूछना हो तो उसके लिए भी मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराष्ट्र की गांधीवादी दृष्टिकोण क्या है, इस पे गांधी जी के क्या सोचते हैं और उसको प्राप्त करने के लिए कौन कौन से साधन चाहिए। कि स्वराज आपको पता है सत्य की चीज़ पे चलता है, उसके साधन अच्छे होने चाहिए, मतलब वो सच्चे होने चाहिए, उसमें हिंसा ये सब नहीं होनी चाहिए, इसमें ये सब गांधी जी ने बताया था। तो आप सब ये क्या है, सत्याग्रह क्या है, तो इसमें भी वही सब चीज़ें सेम टू सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। और अगर आपको कोई और वीडियो से रिलेटेड कोई टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप कर देना, पॉसिबल हो सका तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी, अदरवाइज़ मेरे एग्ज़ाम फिनिश होते ही मैं एक्सप्लेन वाली वीडियो भी बनाऊँगी। तो अभी उसमें थोड़ा टाइम है, उसके बाद मैं जैसे भी टाइम मिलेगा आपके लिए एक्सप्लेन की भी वीडियो अपलोड करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो आपका गुलटुंग है उनके द्वारा जो प्रत्यक्ष सृजनात्मक सांस्कृतिक हिंसा उसके बारे में। तो देखिए सृजनात्मक हिंसा मैंने आपको बता रखा है पहले, अगर आप MGP 8 आपने पढ़ा होगा तो उसमें बता रखा है सृजनात्मक हिंसा जो होती है उसमें मानसिक हिंसा टाइप की होती है, जैसे कि उसमें भावना भावना को लेके और ठीक है मानसिक को लेके इन सब की तरीके से हिंसा होती है, उसको ये सृजनात्मक हिंसा कहते हैं। इसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, इसमें भेदभाव होता है ठीक है, और जो कहते हैं इसमें आप थोड़ा अपने सृजनात्मक हिंसा प्रत्यक्ष हिंसा तथा संस्कृत हिंसा के मध्य अंतर बताया है कि इसमें अंतर है, तो इसमें ये बताया गया है वो तो अंतर होता है। रचनात्मक हिंसा तो आपको जैसे पिटाई लड़ाई झगड़ा शारीरिक चोट होती है, सांस्कृतिक हिंसा में होता है कि सांस्कृतिक रूप से मतलब कि आपको आप इस जाति के उस जाति के उसको लेके जो भेदभाव होता है वो, और रचनात्मक हिंसा मतलब मनोवैज्ञानिक तौर से की जाती है, तो वो सब इसमें बताया गया है। तो ये बहुत ईजी है, आपको बहुत ईजीली समझ भी आ जाएगा, तो आप इसके पढ़ सकते हैं, ये हो गया। आप इसको पोस्ट करके, ईजी लैंग्वेज है इसलिए आप इसको पोस्ट करके आराम से पढ़ सकते हैं।
और इसकी जो PDF है वो मैंने इसलिए ऐसे बनाई है जिससे कि आप इजीली इसको पढ़ सके, ज़्यादा छोटा नहीं है इसका जो फॉन्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्ष विश्लेषण की विभिन्न पद्धतियों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए, कि जो संघर्ष विश्लेषण है उसके बारे में बताना है कि संघर्ष को विश्लेषण करना है, विश्लेषण अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो बता रहे संघर्ष जो होता है कम से कम दो व्यक्ति के बीच में होता है, कभी भी अकेले संघर्ष होगा ही नहीं, खुद के साथ कौन संघर्ष, व्यक्तियों के बीच में, दो समुदाय के बीच में, दो पक्षों के बीच में होता है, क्योंकि उसमें तर्क वितर्क, अलग अलग सोच होती है, एक दूसरे के विपरीत होता है, तो ये सब चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं। तो आप यहाँ जो पॉइंट है वो इसको पढ़ सकते हैं, और जिसके भड़काया जा सकता है लोगों को एक दूसरे को, वो सब चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं। और एक दूसरे का रास्ता बंद करने के लिए संघर्ष होता है, तो ये बहुत ईजी लैंग्वेज है, इसमें आप इसको पोज करके पढ़ लेना। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है, उसको भी देख लेना क्या है इसमें, और क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, कि क्वेश्चन आया तो छोड़ के ना आ पाऊँ, और आंसर तो इजी है ही इसकी लैंग्वेज, तो अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे, ये देख सकते हो। इसके बाद एक वीडियो और है, वो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूँगी, टाइम मिलेगा। बाकी अभी जितनी वीडियोज अपलोड कर रखी हैं आप इन सब को, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। और देखिए स्टूडेंट, एक लाइक करने में कुछ भी नहीं जाता, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दिया कीजिए। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। PDF से रिलेटेड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अदरवाइज़ आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।